हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में भी हम करने वाले हैं पांच बहुत ही कमाल के मोबाइल फ़ोटोग्राफी के आइडियाज़ और टिप्स, जो कि आप अपने खुद के मोबाइल से क्लिक कर सकते हैं। तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। पर इससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और नई वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने पहले पोस्ट की तरफ। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कई बड़ा चल्ला या रिंग चाहिए या कोई सी भी गोल चीज़ चलेगी। इसके बाद आपको मॉडल की दो फोटोज़ क्लिक करनी होंगी। पहली फ़ोटो रिंग के साथ में क्लिक करनी है, दूसरी फ़ोटो में रिंग को आपने हटा देना है और मॉडल कुछ ऐसा रिएक्शन देगा कि जैसे वो रिंग में फंसा हुआ है, निकलने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद दोनों फ़ोटोज़ को आपने स्नैपचैट एप्लीकेशन में मर्ज कर लेना है। तो गाइस, फ़ोटो को कर लेते हैं क्लिक। तो गाइज, आप देख ही सकते हैं कि फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा कूल एंड क्रिएटिव लग रही है। आप यही सेम पोज किसी और चीज़ के साथ भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने ट्री के साथ किया है। तो गाइज, बढ़ते हैं अपने दूसरे पोज की तरफ। इस पोज के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, जो मॉडल ने शूज़ पहने होंगे ना, उसकी आपको लेस को खोल देना है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा लेस ले लेना है और उन तमाम लेस को आपने मॉडल के शूज़ में डाल देना है और फ़ोटो को क्लिक कर लेना है, जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो गाइज, फ़ोटो को क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपकी फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलेगी। तो गाइस, तीसरे पोज में आपको फ़ोटो को लो एंगल से क्लिक करना होगा और मॉडल कुछ ऐसा रिएक्शन देगा जैसे कि पानी के छींटे डाल रहा है। तो गाइस, फ़ोटो को कर लेते हैं क्लिक। इसके बाद आपकी फ़ोटो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। तो बढ़ते हैं अपने चौथे पोज की तरफ। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा कि मॉडल को किसी जगह पर लेट जाना है और लेटकर आंखें बंद कर लेनी है। एक फ़ोटो आपने लेटकर खींचनी है और एक फ़ोटो वो मॉडल को जो उठा के खींची जाएगी। तो दोस्तों, ये फ़ोटो बहुत ही अमेजिंग आने वाली है यार। अब कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपका फेवरेट पोज कौन सा था। उसके बाद आपने दोनों फ़ोटोज़ को स्नैपसीड एप्लीकेशन में मर्ज कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा कि मॉडल को जो फ़ोटो आपने बिठा के क्लिक की थी, उसको आपने हाफ पे रख के मर्ज करना है। याद रखिए, हाफ पे रख के आपने फ़ोटो को मर्ज कर लेना है। इसके बाद फ़ोटो को थोड़ा कलर करेक्शन करके आपने फ़ोटो को सेव कर देना है। तो गाइस, फ़ोटो को कर लेते हैं क्लिक। इस सब के बाद आपकी फ़ोटो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बंदे की रूह परवाज़ कर जाती है ना, तो तब ये फ़ोटो खींची हुई है। तो बढ़ते हैं अपने पाँचवें पोज की तरफ, पाँचवें और आखिरी पोज की तरफ। दोस्तों, इस पोज में हम फोटोग्राफी नहीं बल्कि एक वीडियोग्राफी करने वाले हैं, जो कि आप लोग को बहुत ही पसंद देने वाली है। इसके लिए आपको सिंपली एक अच्छी लोकेशन ढूंढनी होगी जहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड की जा सके। इसमें सिंपली आपको क्या करना होगा कि मॉडल जो है वो एक सिंपली पंच मारेगा और आपको फ़ोन को घुमाते हुए आहिस्ता से पीछे की तरफ रिकॉर्ड कर लेना है। तो सिंपली अपने पावर डायरेक्टर में जाके वीडियो को आपने स्लो मोशन कर देना है। इस सब के बाद जो आपको मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, प्लीज़ दोस्तों उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। गाइस, ये थे आज के हमारे न्यू और बहुत ही कमाल के मोबाइल फोटोग्राफी के आइडियाज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और नई से नई वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी किसी ऐसी एक नई क्रिएटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।